बात करें कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नाम से ही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से क्या हो रहे होंगे, डिस्प्लेस हो रहे होंगे। अब वो चाहे सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो इसी के बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं, इसी के बेसिस पे आपके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट चार तरीके के होते हैं। कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो डेवलप हुआ है रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो भैया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है। किसका? ध्यान रखना, पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, लेकिन किसकी वजह से पोलराइजेशन होता है? वो होता है कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। मान लो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपका ये CH3CH2CH2Cl, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा? ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या है? पोलराइज है। पोलराइज कैसे है? क्योंकि यहां पे क्या लग रहा है? ये एल्काइल ग्रुप लग रहा है। क्या लग रहा है? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट वाला होता है। अच्छा, ये भी जो इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये भी दो टाइप का होता है, एक तो प्लस आई वाला और एक माइनस आई वाला। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला ग्रुप लग रहा है, जैसे कि आर ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला ग्रुप लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। और कोई ऐसा ग्रुप लग गया, मान लो ये है CH2Cl और पीछे लग गया यहाँ पे NO2। क्या लग गया? NO2। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ये साइनाइड ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप भी CN ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? पुल करता है। तो वो सब आते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आते हैं। Cl भी तो विड्रॉइंग ग्रुप है। हम तो इस बॉन्ड का पोलराइजेशन देख रहे हैं ना, है ये विड्रॉइंग ग्रुप। मान लो यहाँ पे F लग गया, फ्लोरीन लग गया, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा? पोलराइजेशन करेगा इस बॉन्ड का। हम इस बॉन्ड का पोलराइजेशन देख रहे हैं, ठीक है। वो तो सिग्मा बॉन्ड है ना, विड्रॉइंग ग्रुप Cl है या एल्काइल है? दोनों ही है। नहीं, एल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन वो प्लस आई से। देखो फर्क, देखो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और आई इफेक्ट क्या है? आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? कि सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है ड्यू टू सम ग्रुप। इतनी बात समझ में आई? किसी ग्रुप की वजह से सिग्मा बॉन्ड का क्या हो जाता है? पोलराइजेशन हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा देखो ये दिखाया गया है इसमें कि जो CH3CH2Cl, देखो Cl जो है ना, Cl की तरफ ये दोनों क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। ये ज्यादा पावर से डोनेट कर रहा है क्योंकि इससे लगातार जुड़ा हुआ है, ये कम से, और पीछे वाला और कम से डोनेट कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है।